हेलो दोस्तों, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत अलग सा टॉपिक लेके आए हैं। मतलब अलग सा तो नहीं है, हम सब बहुत भली भांति इससे परिचित हैं, लेकिन अगर आप लोग ये उम्मीद लगाए हुए हो कि आज वेस्टर्न आर्ट का वीडियो फिर से डल गया है, तो वो अभी नहीं हो पाया क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है, है ना। सीधे ही बोल दूँ कि वो अभी रेडी नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम शायद और लगेगा। तो अपन एक आज भी एक बहुत बढ़िया सा लाई हूँ वीडियो, जो आपके काफ़ी काम आने वाला है, मुझे पता है। तो अपन लोगों ने सबसे पहले ये बता दूं कि ग्राफिक्स का प्रिंट मेकिंग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके सेपरेट वीडियोस जो कि 40-50 मिनट्स के हैं, है ना, अगर वो टाइम लेता होगा आपको देखने में करने में, तो इसलिए आज एक वीडियो जिसमें हम टोटल रिवीजन कर लेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड। प्रिंटिंग को हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, और कुछ और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है ये वीडियो, पहले ही बता दूँ इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वीडियो से रिलेटेड एंड अदर चीज़ों से रिलेटेड, मींस प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, वो भी आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सिर्फ प्रोसेस डिस्कस नहीं करेंगे, मोस्टली प्रोसेस टेक्निक्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रोसेस को एक बार सिर्फ फटाफट देखते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोगों ने भी पढ़ रखा है, मेरे साथ ही पढ़ा है, तो अपन लोग सब मिलकर आज रिविज़न करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले क्या है भाई, एक चीज़ बता दूँ आपको, मेरे दोस्त लोग जो कि देखते हैं वीडियोस भी, वो मुझे यही बोलते हैं कि वाई यू आर नॉट अपीलिंग, मतलब अपील क्यों नहीं करती हूँ आपसे कि ये जैसे बाकी वीडियोस वाले करते हैं। तो भाई मेरे लोग, मुझे ये सब नहीं आता है इसलिए, लेकिन आज उन्हीं लोगों के लिए एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और लिंक को शेयर कर दो, जो कि आप वैसे भी कर रहे हो, तभी हम देख रहे हैं किस तरह से ऑडियंस बिल्ट हो रही है अपनी, उससे पता चल रहा है कि आप लोग भी सबकी मदद करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कर दो, ये मेरे दोस्तों के लिए बोल रही हूँ बस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ठीक है। ये हो गई कहानी, और आप अपन इसको शुरू कर लेते हैं अपने ग्राफिक्स के बारे में। जो चीज़ें भी हमने पढ़ी है याद करो थोड़ा बहुत, है ना, और उसको अपन लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, ओके। चलिए, अब हम ग्राफिक्स इन जनरली सब बता चुके हैं। ग्राफिक्स में क्या होता है, यह दृश्य संचार एवं समाधान मतलब विजुअल कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका जो एक माध्यम है, वो सब ग्राफिक्स में ही आता है। टाइपोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी हो गया, आइकोनोग्राफी हो गई, चित्रण इलस्ट्रेशन हो गया, ये सब, ठीक है। इसके बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आ सकते हैं इसलिए, है ना। देखिए क्या हुआ था अमेरिका में, इसको थोड़ा सा स्पीडली लेंगे, है ना, वीडियो कितना बड़ा जाता है आई डोंट नो, बट मैं ये पूरा रिवीजन इस वीडियो में आज देने वाली हूँ, इससे पूरा वीडियो ढंग से देख लेना, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। देखो चलो, अमेरिका में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उनके साथ है ग्राफिक डिज़ाइन को शुरू हुए थे वो, ठीक है। उन्होंने अपने अखबार कैसे, उन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे शुरू किया था, तो उन्हें जो अपना अखबार था, उनका न्यूज़पेपर था, क्या था न्यूज़पेपर का नाम, द पेंसिलवेनिया गैजेट, पेंसिलवेनिया गैजेट में उसका यूज़ किया था, ठीक है। फिर देखो 618 से 907 AD में जो टंग साम्राज्य, टंग डायनेस्टी थी चाइनीज़ की, उसके समय लकड़ी के ब्लॉक काटे गए थे, और फिर वो पहले कपड़े पर मींस बुद्ध ग्रंथ पर मुद्रित हुए थे टंग डायनेस्टी के समय, ठीक है। फिर क्या आता है, 868 AD में छापा एक बौद्ध ग्रंथ, सबसे पुरानी ज्ञात पुस्तक है, ठीक है, मतलब जो सबसे पुरानी ज्ञात पुस्तक जो है उसमें छापा कला का यूज़ हुआ था। फिर अंग्रेजी चित्रकार ब्रिटिश पेंटर विलियम हॉगर्थ, जिनको हम जानते हैं, उनने उत्कीर्ण में अपनी कौशल का इस्तेमाल किया, अपने क्राफ्टमैनशिप्स का इस्तेमाल किया, स्किल्स का इस्तेमाल किया, जो व्यापार के लिए मींस जो कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट भी जानते हैं ना, तो व्यापार के लिए, बिजनेस ट्रेड के लिए उन्हें इसको यूज़ किया था, ठीक है। आगे देख लो जल्दी से, जर्मनी में, याद रखो ये चीज़ें कुछ, जर्मनी में कहाँ पे, मेन्स जर्मनी में 1448 में जॉन गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस का को स्टार्ट किया था, है ना। और क्या लिखा है यहाँ पे, गुटेनबर्ग ने 42 लाइनों वाली बाइबल फर्स्ट टाइम पे मुद्रण, मतलब प्रथम मुद्रण मुद्रित पुस्तक माना जाता है बाइबल, जिसमें 42 लाइन्स थी। किसने इसे मुद्रित किया था, जॉन गुटेनबर्ग में, और कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए याद रखो। आगे विलियम कैक्सटन ने धार्मिक पुस्तक को वो किया था, डेवलप किया था।
1704 में पहला समाचार पत्र बोस्टन समाचार पत्र है ना, पहला समाचार पत्र इंडिया का नहीं बोला है, वो बंगाल बजट है, बोस्टन न्यूज़पेपर में उसमें भी जॉन कैंपबेल का, मतलब कैंपबेल ने ये इसका यूज़ किया था। फिर 1891 से 96 में विलियम मोरिस है ना कलम सॉरी कैंस्कॉट प्रेस में पब्लिश में कला और शिल्प आंदोलन के ग्राफिक डिज़ाइन उत्पादनों में से कुछ को प्रकाशित किया था। सॉरी मैं पीछे बोल दी थी एकदम से, कला एंड शिल्प मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट में विलियम मॉरिस ने इस प्रेस को पब्लिश किया था, ठीक है, यूज़ किया था, दे यूज्ड दैट प्रेस फॉर द मूवमेंट और ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो वर्ड है ग्राफिक डिज़ाइन वर्ड वो विलियम एडिसन ड्विगिन्स, किसने याद रखो, विलियम एडिसन ड्विगिन्स ने, जो मीन्स ये सब चीज़ जो होती है, ये पूरा टर्म है, ये पूरी जो चीज़ है उसको किसने मीन्स किसने नाम दिया था ग्राफिक डिज़ाइन है, तो विलियम एडिसन ड्विगिन्स, विलियम एडिसन ड्विगिन्स ने 1922 में इस वर्ड को दिया था, इस टर्म के लिए ग्राफिक डिज़ाइन वर्ड को यूज़ किया था, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए आप लोग इनको ना भूलें। फिर देखते हैं अपन और एक दो तीन चीज़ें फटाफट, ये भी याद रखो आप, क्योंकि अब अपन वो देखेंगे इसका प्रोसेस एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। उससे पहले जर्मनी के कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर सब जानते हैं, उन्हें अपने जो है रेखांकन में चित्रों का इस चीज़ में, इस टेक्निक में रेखांकन को यूज़ किया था। होलैंड में 17th सेंचुरी में रेम्ब्रांड ने कौन सी चीज़ यूज़ की, एचिंग यूज़ की थी है ना, तो एचिंग का महत्वपूर्ण यूज़ किया, ठीक है। तो रेम्ब्रांड को आप एचिंग के नाम से याद रखें, अपन जब अलग अभी देखेंगे एक बार फिर से उसको देखेंगे। 18वीं शताब्दी में फिर फ्रांसिस्को गोया ने एक्वाटिंट का आविष्कार किया। 1930 में अमेरिका में सेरोग्राफी का विकास हुआ, 1935 से 40 के बीच में हुआ था वैसे सेरोग्राफी का विकास वहाँ पे है ना अमेरिका में, और अपने यहाँ पे केजी सुब्रमण्यम जी ने स्टार्ट किया था है ना, आगे देखेंगे उसको भी। जापान में उकी ओए पद्धति अपनाकर ग्राफिक प्रिंट बनाने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की थी, जापान में उकी ओए टेक्निक जो बनाई थी वो ग्राफिक प्रिंट बनाने की उस पर एक मतलब बड़ा श्रेष्ठ कार्य था। एक और 18th सेंचुरी में क्या है, ब्रिटेन में मींस इंग्लिश ब्रिटिश में भी कलाकार का विकास हुआ, जो ब्रिटिश कलाकार हैं विलियम होगार्थ और विलियम ब्लेक, उन्हें रिलीफ पद्धति को कास्ट के ठप्पों का निर्माण करके उनका प्रिंट लिया था, रिलीफ पद्धति में वुड ब्लॉक का जो ठप्पे हैं उसका निर्माण करके इन्हें प्रिंट लिया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरऑल ग्राफिक्स की चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा सा ध्यान रख लो। अब भारत को देखते हैं एक बार, तो भारत में यह पोर्चुगीज व्यापारियों से आया था, 1556 में आया था, इसका इंग्लिश नहीं है इसलिए बता रहे हो, 1556 में आया था, पोर्चुगीज व्यापारियों द्वारा आया था, और सर्वप्रथम कहाँ, गोवा में प्रेस लगाई गई थी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसको याद दिमाग में बिठाई लेना। गगनेंद्रनाथ टैगोर कलात्मक विधि के चित्रों में नवीन तकनीक का विकास करने वाले एक सफल कलाकार थे। राजा रवि वर्मा ने छापा खाने की मशीन में अपनी चित्र ओलियोग्राफी विधि, ये तो क्वेश्चंस मतलब नहीं कितनी बार आप लोगों ने भी क्वेश्चंस देखा होगा, तो रटने वाली चीज़ हैं ये सब है ना, तो ओलियोग्राफिक विधि में छपवाया था। नारायण बालाजी जोगलेकर है ना, इनने 1946 में बड़ौदा में ग्राफिक कला विधि का मीन्स आर्ट गैलरी में प्रारंभ करने का प्रशंसित कार्य किया था, ठीक है, ये चीज़ें उनने की थी बड़ौदा में नारायण बालाजी जोगलेकर ने। चलिए ये थोड़ा सा पहले वीडियो का है ना, इसको डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा नहीं दूंगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या मेन से टाइपोग्राफी होता है, पेज लेआउट, प्रिंटिंग और स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें इसमें महत्व रखती है। इसको ग्राफिक का जो वेरी फर्स्ट वीडियो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, आप वो देख लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अपन आज जो मेन अपना मुख्य उद्देश्य है अपन प्रिंटिंग, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, और इसका भी मैं कह रही हूँ अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं फटाफट बोलूँगी, मैं है ना कितनी चीज़ों को डिटेल में नहीं बताऊँगी, तो अगर आपको परेशानी आए तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल वीडियो ज़रूर देखें, एंड देन फिर परेशानी आए तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे है ना, तो अगर कोई कन्फ्यूजन आए तो आप उस वीडियो से उसका क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रिंटिंग क्या होता है, तो प्रिंट मेकिंग क्या है, कागज़ और अन्य सामग्री या सतह पर
कोई भी सामग्री हो, कोई भी सतह हो, उस पर प्रिंट लेने की करके कलाकृति बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन प्रिंट लेके करेंगे, नॉर्मल स्केचिंग जो करते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ प्रक्रिया एक ही काम के गुड़कों का उत्पादन करके सक्षम है, प्रत्येक का एक ही प्रिंट कहा जाता है, मतलब एक ही चीज़ से आप मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रिंट ले सकते हैं, ये प्रक्रिया है प्रिंट में, और यही अंतर है ड्राइंग पेंटिंग और प्रिंट में, ठीक है। तो ये अपनी प्रिंटिंग दी, ठीक है दोस्तों, अब आपको ये चीज़ बता चुके हैं। हिस्ट्री में प्रिंटिंग को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कौन सी तीन टाइप्स थी, रिलीफ मेथड मतलब उभार सतह, इंटेग्लियो मतलब अंतः सतह, और समतल सतह मतलब प्लानोग्राफी, क्योंकि देखिए सरफेस के बेसिस पे तीन विभाजन किए गए, इसके अलावा और कोई गुंजाइश ही नहीं है, या तो कोई भी सरफेस से प्लेन होगा, या तो वो उभरा हुआ होगा, और या तो वो ढला हुआ होगा, ठीक है। और इन्हीं तीन सरफेस के हिसाब से हमने प्रिंटिंग को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। अब अपन इस तीन भागों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपना आता है उभार सतह प्रणाली, जिसका रिलीफ प्रिंटिंग आप सब जानते हैं, हम प्रिंट उभरे हुए भाग से लेंगे, इंक उभरे हुए मतलब जो मुद्रणीय क्षेत्र है, जिस चीज में प्रिंट लेना है वो उभरा हुआ रहेगा, और जिस चीज का प्रिंट नहीं लेना है वो नीचे वाली चीज रहेगी, ठीक है। तो उभरे हुए पे जब इंक लगाएंगे तो वो रिलीफ प्रिंटिंग होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वगैरह सब फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियोस में है, हम सिर्फ उसको एक बार डिस्कस कर रहे हैं। रिलीफ प्रिंटिंग देखेंगे तो मुख्यतः तीन चार टेक्निक्स होती हैं इसमें। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेंगे, वुड की आर्ट, वुड प्रिंटिंग लेंगे तो उसमें वुड एनग्रेविंग, वुड कट आ जाती है, ठीक है। लीनो कट मतलब रबड़ शीट, लीनो शीट से कट करेंगे, लीनो शीट, जाइलोग्राफ और कोलियोग्राफ, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, तो वुड कट सबको पता है, गॉज टूल से यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, देखिए लकड़ी के ठप्पों का यूज़ है इसमें, और वुड कट मतलब ड्राइंग करेंगे सबसे पहले वुड के उस पर, फिर ड्राइंग करके क्या कर देंगे उसको कट करेंगे, गौज की मदद से हम कट करते हैं उसको, कट करके फिर उसमें इंक लगाएंगे। इंक किस तरफ लगाएंगे, ऊपर वाले क्षेत्र पे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले क्षेत्र हमको प्रिंट लेना है, और देन हम उसको पेपर रख के और प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है वुड कट जो है उस चीज़ के लिए, छपाई के लिए यूज़ होगी जब हमको मोटा मतलब मोटी प्रिंटिंग चाहिए मुख्य, तो क्यों, क्योंकि कट करके मोटी मोटी चीज़ लेंगे, गाढ़ी प्रिंटिंग जिसको बोलेंगे ना, एकदम डार्क प्रिंटिंग मोटी, वो वुड कट में हम काम करेंगे, ठीक है। ये अंतर था, वुडकट इतना ही है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन विद फोटोज वीडियो में है, आप लोग अगर ये पहली बार देख रहे हो तो वो देख लेना, और अगर पुराना पढ़ ही चुके हो तो ये आपके लिए रिवीजन का अच्छी चीज़ है। देखिए अभी बता दिया है 1556 में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में भारत में आई थी। अब 1915 में कलकत्ता के जागरूक कलाकार, कलकत्ता आर्टिस्ट ने चित्रा क्लब की स्थापना की थी, याद रखिए, ठीक है, किसने, कलकत्ता के आर्टिस्ट ने 1915 में चित्रा क्लब की स्थापना, जिसने कलाकार छापा कला का प्रयोग करते थे। चित्रा क्लब के कलाकार कौन कौन, देखिए नंदलाल बोस, अजीत केसरी, विश्वरूप बोस, चित्रप्रसाद दास गुप्त आदि ने अच्छे छापे बनाए। तो ये जो आर्टिस्ट थे 1915 में चित्रा क्लब है ना के जो आर्टिस्ट थे, कोलकाता के थे ये, इन लोगों ने अच्छे प्रिंटिंग्स किए हैं। फिर आगे देखते हैं, कुछ प्रसिद्ध कलाकार ने भी वुडकट का कार्य अच्छे तरीके से किया है, जैसे कि कौन, सैल्वेडर डाली, एल्बर्ट ड्यूरर, विंसेंट वॉन गोग, एडवर्ड मुंक, पॉल सिग्निक, इन सबके नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब अभी आपको नहीं पढ़ाया हमने, लेकिन हमें पता है वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड है, यूरोपियन आर्ट से रिलेटेड है, अलग अलग इनके आर्ट मूवमेंट्स हैं, लेकिन अलॉन्ग विद दैट, अलॉन्ग विद पेंटिंग्स एंड ऑल, इन लोगों ने प्रिंटिंग में भी कार्य किया, और प्रिंटिंग की भी वुड कट टेक्निक में भी कार्य किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनको आप याद रखें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, वुड कट हमारा हो गया था, ठीक है, कोई डाउट नहीं। वुड एनग्रेविंग, वुड एनग्रेविंग क्या है, तो इसको भी हम सेम ही प्रोसेस में करना है। देखिए रिलीफ का जो है एक इंप्रेशंस चीज़ सेम ही है, कट करना है, मतलब आपको ड्राइंग करना है, आपको कट करना है, आपको इंकिंग करनी है ऊपर वाले सतह पे, और आपको प्रिंट लेनी है, बहुत सिंपल, रिलीफ बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है वो बता रही हूँ बस। वुड कट में वुड कट किया, गौज से किया, मोटा मोटा कटाई करी और प्रिंट ले ली, छुट्टी। लेकिन वुड एनग्रेविंग में क्या है, एनग्रेविंग में भी ड्राइंग करी, लेकिन एनग्रेविंग में एनग्रेविंग करी मतलब उत्कीर्णन किया। उत्कीर्णन किसे किया, जो ब्यूरिन होता है, ब्यूरिन इज अ टाइप ऑफ टूल, बताया है, उसकी फोटो भी दिखाई है, देख लेना आप लोग, है ना, उस टूल से हम लोग फटाफट उसको एनग्रेव कर देंगे, एनग्रेव कर देंगे। दूसरी चीज़ वुड एनग्रेविंग में मैंने बताया था आपको कि हम लाइट डार्क शेड्स को बैलेंस कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, जिसमें हमको शेड ज़्यादा चाहिए, है ना, जिसमें हमको शेड ज़्यादा चाहिए उसमें हम लोग उसकी खुरचन मतलब उसकी उसकी एनग्रेविंग
कम कर देंगे। तो हम उस पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको काटना ही है ना, जिसमें हमको कम इंक चाहिए, जिसमें हमको ज़्यादा इंक नहीं दान देनी है, जिसमें हमको लाइट शेड चाहिए, उसके हम खुरचन उसको एनग्रेव ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ तक इंक नहीं पहुँच पाएगी। और लेकिन जिसमें हमको शेड ज़्यादा चाहिए उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम उनको कम एनग्रेव करेंगे। ये दो अंतर चीज़ रहती है, पहले भी बताया है ना, उसको कम एनग्रेव करेंगे तो उसमें इंक ज़्यादा लग जाएगी, ज़्यादा लग जाएगी तो उससे डार्क शेड क्रिएट हो जाएगा। तो यही अंतर है वुड एनग्रेविंग वुड कट में। इसमें हम बारीक काम का यूज़ कर सकते हैं, जबकि वुड कट में हम बारीक काम का यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, उसमें हमको मोटा मोटा कार्य देखना है। ठीक है, तो सेम इसमें भी हमने एनग्रेविंग करी और फिर हमने क्या किया, इंक लगाई और प्रिंट ले ली, छुट्टी। कोई टेंशन नहीं है इसमें, बहुत आसानी से ये चीज़ों को आगे बढ़ते जाइए। सिर्फ कहने को लोग बहुत प्रेशर दे देते हैं, बट ये बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखिए, आर्टिस्ट जिसमें भी जिनने वुड एनग्रेविंग में कार्य किया है, जोसेफ अलेक्जेंडर एडम, फ्रैंक लेस्ली, एडवर्ड कैलवर्ड और लियोनार्डो बास्किन, इनने जो है वुड एनग्रेविंग में काम किया है। ये आपके ज़्यादा मतलब जाने माने लोग नहीं होंगे, इसलिए आप इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, अब ये हमारी तीसरी चीज़ आती है रेलिफ प्रिंटिंग के ही अंदर, जिसको हम बोल चुके हैं लीनो कट। लीनो कट क्या है, लीनो मतलब रबड़, कुछ नहीं होता, वो आपने वुड से किया, वुड से वुड दिखा, वुड के उसमें काटा, उभरे सत पे इंक लगाई और प्रिंट ले ली। लीनो में क्या किया, लीनो में लीनो शीट जो होती है, रबड़ काइंड ऑफ शीट है ना, उस शीट को हम कट करेंगे और कट टूल्स गॉजेस जो कि पहले हमने उसमें देख ही लिया है वुड कट में, या वी शेप का टूल्स आता है जो, जिसका भी फोटो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, उन टूल्स की मदद से हम लोग लीनो शीट्स को कट करते हैं। और कट करने के बाद हम उभरे हुए सतह पे इंक लगाएंगे, ना कि नीचे वाले सतह पे इंकिंग करेंगे। ठीक है, कट करेंगे, इंकिंग करेंगे और फिर उस पर पेपर रख के प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए लीनो कट के बारे में भी थोड़ा सा, तो लीनो जो लीनो चीज़ है, जो रबड़ है, वो उसका यूज़ सर्वप्रथम किसने किया था, तो सीसे के प्राध्यापक थे, कौन, प्राध्यापक सीसे मतलब प्रोफेसर सीसे थे वियना के, वियना के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सीजेक, इनने जो है लीनो का यूज़ फर्स्ट टाइम किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, लीनो का यूज़ सर्वप्रथम किसने किया था, तो प्रोफेसर सीजेक फ्रॉम वियना, वियना के प्रोफेसर सीजेक ने किया था। लिनोनियम टेक्निक का सर्वप्रथम प्रयोग जो टेक्निक, देखिए लीनो का यूज़ उनने किया, लेकिन लिनोनियम टेक्निक जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, उसका सर्वप्रथम यूज़ डाई ब्रूके ने किया था 1905 से 13 के बीच में। ठीक है, किसने किया था, डाई ब्रूके ने। इस तकनीक में प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हैं जो लीनो कट में कार्य किए हैं, पैब्लो पिकासो, हेनरी मिटाइस, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन लोगों ने बहुत सुंदर पेंटिंग्स की हैं, है ना, फोविज्म हुआ, क्यूबिज्म हुआ, लेकिन साथ ही साथ प्रिंटिंग में भी कार्य किया है, और प्रिंटिंग के भी लीनो कट में इनका कार्य बहुत अच्छे से हुआ गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपकी चीज़ हो गई, लीनो कट खत्म हो गया। अब देखो ज़ायलोग्राफ क्या है, ज़ायलोग्राफ कुछ भी नहीं था, वो याद करो तो तिब्बतियन लोगों ने यूज़ किया था, बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स के लिए यूज़ किया था, और कुछ नहीं है। ज़ायलोग्राफ का नाम याद रखो, और क्या चीज़ याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, वो जो आप बचपन में पेपर के नीचे सिक्का रखते थे, है ना, और सिक्का रख के ऊपर पेंसिल चलाते थे, और आपको नीचे 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का ऊपर दिखने लग जाता था, वही है ज़ायलोग्राफ, और कुछ भी नहीं है उसमें। बस यही करना है हमको कि हमको जो इंकिंग करनी है, हमको इंकिंग ब्लॉक में नहीं करके हमको इंकिंग पेपर पे करनी है। पेपर पे करेंगे तो वो नीचे वाली चीज़ में मतलब जो आपका जो ब्लॉक है, डायरेक्ट ब्लॉक को कट कर दोगे पहले आप। इसमें क्यों पहले कटिंग लिखी है, क्यों कटिंग लिखी है, उससे आपको याद रहे ज़ायलोग्राफ में कि पहले आप ब्लॉक को कट करो, ब्लॉक को कट करो, और उसके बाद ब्लॉक के ऊपर वाले सतह पे इंकिंग नहीं करनी है, है ना, पेपर रखना है। ठीक है, पेपर को क्यों मैंने बाद में लिखा कि पहले कट करना है, फिर ऊपर पेपर रखना है, पेपर रख के इंकिंग पेपर पे करनी है, ना कि ब्लॉक पे। और पेपर पे करेंगे तो हमारे पेपर पे जो ऊपर वाला सतह है, ऊपर वाले सतह की अपने आप इंकिंग ऊपर दिखेगी और नीचे वाले की नहीं दिखेगी। इसका एक ज़्यादा एग्जाम्पल वही सिक्के वाला है, आप खुद देखिए किस तरह से उसका प्रिंट आता है, उसी तरह से ये चीज़ ये लोग यूज़ करते थे, टिब्बेटियन लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और इसको प्रिंटिंग कहते हैं, बहुत बाद में एटलास प्रिंटिंग हो जाती है, बहुत छोटी सी टेक्निक है लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। अब ये चीज़ कोलोग्राफ, कोलोग्राफ को मैंने अभी पेपर्स भी पढ़ाए थे और जब डिस्क्रिप्शन में भी बता चुकी हूँ। कोलोग्राफ क्या है, कुछ भी नहीं है, कोलोग्राफ और कोलाज, कोलाज
क्या होता है, कोलाज को हम सारी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें जो रहती है उनको चिपका के हम पेंटिंग कंपोज करते हैं। वैसे ही कोलोग्राफ क्या है, जो कि अन्य प्रिंटिंग है वो हम क्या है, स्केचिंग से प्रिंटिंग ले रहे हैं तो हम उसको प्रिंटिंग बोल रहे हैं। लेकिन कोलोग्राफ क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम कोलाज से एक प्रकार से प्रिंटिंग ले रहे हैं। कोलाज से क्या है कि हम सर्वप्रथम उसको सामग्री को चिपका देंगे सरफेस पे, है ना, जो मतलब उसका पॉजिटिव बना रहे हैं एक तरह से, तो सामग्री को चिपका देंगे और फिर उसी के ऊपर इंकिंग करेंगे और फिर पेपर रख के प्रिंट ले लेंगे, तो इसी को कहते हैं कोलोग्राफी। ठीक है, इसका डिटेल दे चुके हैं, अब ज़्यादा अपन वो नहीं करेंगे। ओवरऑल आपको मैं बता दूँ कि उभार सतह क्या था, सबसे पहले रेखांकन करना है, फिर उत्कीर्णन या कटिंग जो आपको सही लगे, मतलब जो भी आपके प्रोसेस के अनुसार वो करोगे, इंकिंग करोगे लेकिन उभर वाले सतह पे करोगे, ऊपर वाले सतह पे करोगे, इंकिंग कर दी और फिर पेपर रख के क्या करोगे, प्रेस करके उसको प्रिंट ले लोगे। ये आपका ओवरऑल रिलीफ टेक्निक था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कोई भी बड़ा पहाड़ नहीं है, हर चीज का समय वो है, आंसर है इस दुनिया में, तो इसका भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिलीफ प्रोसेस हो गया। अब आती है अंतर सतह प्रणाली। मानती हूँ इसकी टेक्निक्स थोड़ी सी रिलीफ जैसी सीधी नहीं है, टिपिकल है, लेकिन एक बार उसको भी समझोगे तो कोई आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत होशियार हो आप लोग। ठीक है, तो अंतर सतह प्रणाली मतलब कि नीचे वाले सतह से प्रिंट लेना, ऊपर है, ऊपर को काट दिया, जहाँ पे अभी प्रिंट, जहाँ पे अभी इंक लगाई थी वहाँ पे अब इंक नहीं लगानी है, नीचे वाली पे इंक लगानी है। तो अब भैया लोग मान लीजिए कुछ चीज़ कटी हुई है, आप ऊपर तो बहुत इजीली रोलर से इंक लगा दोगे और नीचे इंक नहीं जाएगी, लेकिन क्या इसका उल्टा कर सकते हो, कर सकते हो क्या ऐसा कि नीचे के पे इंक लगाओ और ऊपर इंक टच भी ना हो, क्योंकि हमको वो तो चीज़ चाहिए ही नहीं, वहाँ इंक हम ले ही नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन इतना इजीली ऐसा राह चलते नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस की नीड है और दैट्स वाई इंटेग्लियो को हम थोड़ा सा टफ प्रोसेस मानते हैं एज कंपेरिजन टू रिलीफ, जिसमें कि एनग्रेविंग मतलब जो कटाई कुटाई तो होती है, साथ ही साथ क्या चीज़ें होती है, साथ ही साथ हम उसमें एचिंग वगैरह भी आ जाती है, अम्लांकन वगैरह भी आ जाता है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा टफ मानने लग जाते हैं। पर कोई बात नहीं, सब हमारे लिए क्या इम्पॉसिबल है, हम तो प्लेन सतह पे भी प्रिंट लेने वाले लोग हैं, तो ये तो क्या है, ये तो और नीचे वाली सतह से है, तो हम उसको तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे देख लेते हैं क्या है, पर इसके बाद इससे पहले थोड़ा सा इंटैग्लियो का भी इतिहास देखते हैं। जर्मनी में इंटैग्लियो प्रिंट मेकिंग लकड़ी के प्रिंट के बाद अच्छी तरह से उभर गया था। ठीक है, जर्मनी में सबसे शुरुआती ज्ञात उदाहरण जर्मनी में बनाए गए ताश के पत्ते, ये याद रखो जर्मनी में बने थे ताश के पत्तों का ये सबसे सर्वप्रथम उदाहरण, मतलब सबसे स्टार्टिंग का उदाहरण है, साइन है, ड्रॉ पॉइंट टेक्निक का उपयोग करते हुए संभवतः 1430 के दशक के अंत में, मतलब है ना, ड्रॉ पॉइंट टेक्निक का जर्मनी में यूज़ हुआ था 1430 के अंत में। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो आपका ड्राई पॉइंट टेक्निक हो गया। कॉपर उत्कीर्णन, जो कॉपर एनग्रेविंग, मेटल एनग्रेविंग है लेकिन कॉपर एनग्रेविंग टेक्निक का फ़ायदा उठाने के लिए मॉर्टिन शोगाउर, क्या है, मॉर्टिन शोगाउर, नाम बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, इनका काम मोस्टली मतलब मोस्टली क्या सब कॉपर एनग्रेविंग में है ना, तो उनने, ये उनके ज्ञात कलाकार हैं शुरुआती, और साथ ही साथ एल्बर्ट ड्यूरर सबसे प्रसिद्ध एंटैग्लियो कलाकारों में से एक है, जिनको हमने आगे देख लगा है, वुडकट में भी कार्य किया है इनने, लेकिन एंटैग्लियो के लिए ज़्यादा अच्छे से ड्यूरर जाने जाते हैं। 19वीं सदी मीन्स 19th century में विनी स्प्रिंट कॉरल क्लीक ने एक संयुक्त इंटैग्लियो और फोटोग्राफिक प्रक्रिया को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखो 1940 और 50 के दशक में इटालियन सिक्योरिटी प्रिंटर गुआल्टी गियोरियो ने पहली बार 6-color इंटैग्लियो प्रिंटिंग इन 6 colors इस प्रैक्टिस का विकसित किया था। किसने, गुआल्टी गियोरियो ने, उच्च प्रौद्योगिकी युग में इंटैग्लियो प्रिंटिंग को लाया, जिसे बैकनॉट्स प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। आगे कुछ प्रसिद्ध कलाकार जो कि इंटैग्लियो में कार्य किए हैं, विलियम ब्लैक, एल्बर्ट ड्यूरर, ये सब जाने मानी हस्तियां हैं आपकी, है ना, चार्ली लॉरेंस, एल्बर्ट ड्यूरर, विलियम ब्लैक, हेलेन फ्रैंक, पैब्लो पिकासो, ये सब जो हैं इंटैग्लियो में कार्य करे हैं। ठीक है, अब हम लोग इंटैग्लियो की भी अलग अलग सतहें और बहुत मस्त है, लेकिन अभी देखिए इंटैग्लियो का सेपरेट वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, उसमें अन्य तकनीक जैसे कि विस्कोसिटीज, है ना, ग्रेवियर, जो मतलब ग्रेवियर प्रिंटिंग, जो कि एक तरह से क्या बोलेंगे हम,
उसका एक व्यापारिक चीज़ों के लिए यूज़ आती है, ठीक है। तो ये अपन लोग अभी अपन जो ये बेसिक वाली चीज़ है उसमें मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए इंटेग्लियो में सिर्फ ये पांच देखेंगे और बाकी वो देखना है तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन अभी हमको लिथोग्राफी तक इसको कंप्लीट करना है, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम फटाफट पहले इसको ही डिस्कस करेंगे। अब देखो लाइन एनग्रेविंग क्या है, लाइन एनग्रेविंग मेटल एनग्रेविंग वही चीज़ है ना। इंटेग्लियो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भी याद करो बहुत अच्छे से, सबसे पहले प्लेट लेंगे, इसमें कोई भी हो मेटल है प्लेट लेंगे, कौन कौन सी हो सकती है, तांबा जस्ता स्टील है ना, कोई भी होगी, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम वो सब तो आप भूले होगे ही नहीं, उसमें हम लोग पूरा उसका ग्राउंड लगाएंगे, दैट मीन्स वो जिससे तो जो हम जो प्लेट है उस पर भी स्केचिंग किस तरह से करेंगे, वही सेम ग्राउंड बना के, ग्राउंड जो कि अलकतरा डामर इससे मिलके बना रहता है उसको लगा के उसको पहले ड्राइंग करेंगे, फिर उसको फिर से पोच देंगे, फिर उसमें एनग्रेविंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्केचिंग हो जाएगी एक तरह से, उसको एनग्रेव करेंगे, एनग्रेव करके फिर हम उसमें इंकिंग करेंगे, है ना, इंकिंग करके फिर ऊपर से पोच देंगे, एक बार इंकिंग लगा के फिर ऊपर से पोचेंगे, क्यों पोचेंगे, क्योंकि ऊपर वाले सर्फेस को हटानी है, है ना, वो करेंगे, फिर उसमें जो है उसका ब्लैंकेट्स लगा के, मतलब जो और पेपर्स वो लगा के वो है ना उसमें हम उसकी प्रिंटिंग ले लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन एनग्रेविंग है, इसका डिटेल वगैरह में देखना हो, थोड़े से समझने में परेशानी ज़रूर आती है तो वो आपको मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसको देख लेना, मैं अभी इसको पूरा बताने फिर से बैठूंगी तो हमारी चीज़ें ये मेन पॉइंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। मैक्सिको में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को दी गई प्रागैतिहासिक एजटेक कुल्हाड़ी को वास्तव में एक आधुनिक तांबे की प्लेट के रूप में उकेरा गया था, ठीक है, जो कि मैक्सिको में अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने जो मींस प्री हिस्टोरिक के टाइम पे जो कुल्हाड़ी दी थी वो एक्चुअली में वो तांबे की प्लेट उकरी हुई थी जो जॉन फ्लैक्समैन द्वारा एक डिज़ाइन को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए इटली में मार्कटेनियो रेफिल द्वारा प्रशिक्षित उत्कीर्णक मीन्स एनग्रेवर पहले जर्मन लकड़ी के कटेरों को, है ना, जो ये मार्कटेनिको है रफेल द्वारा प्रशिक्षित, मतलब रफेल ने उनको सिखाया था इटली में, उनने पहले जर्मन लकड़ी के कटोरों को लाइन उत्कीर्ण से कॉपी करने का अभ्यास किया था, जब है ना कहाँ पे, इटली के थे ये। दूसरी चीज़ आगे देखो, जर्मनी में प्रारंभिक धातु जो सबसे पहले मेटल एनग्रेविंग की विशेषता मॉर्टिन शिगोगनर, जिनको बता चुकी हूँ कॉपर एनग्रेविंग में 1488 में, है ना, और एल्बर्ट ड्यूरर 1515 में कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। शिगोगनर ने एक एकीकृत तत्व के रूप में रूपरेखा और छाया का उपयोग किया और छायांकन आमतौर पर घुमावदार लाइनों से की, ठीक है। तो ये जो था आपका लाइन एनग्रेविंग था। अब आते हैं एचिंग पे। एचिंग सर्वप्रथम देखिए थोड़ा सा टिपिकल आ गया ही चीज़, लेकिन कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी मेटल प्लेट का यूज़ कर लेंगे। रेखांकन करना है ना, रेखांकन अब आपके ऊपर है, आप उसका जो पेस्ट ग्राउंड लगा के करना है रेखांकन तो वैसे कर लेंगे अपन, है ना, जैसे कि लाइन एनग्रेविंग में किया था, लाइन एनग्रेविंग में भी यही किया था, ग्राउंड बना के रेखांकन ही किया ना एक तरह से, फिर उसको पोच दिया था, तो मतलब वो तो एक तरह से ड्राइंग के लिए यूज़ में आ रहा है और फिर उसके बाद आप उसको एनग्रेव से एनग्रेवर करके और प्रिंट ले रहे हो। लेकिन इसमें क्या करेंगे, रेखांकन कर लेंगे, रेखांकन एज पर योर नीड, है ना, जिस तरह से अगर आप डायरेक्ट प्लेट पे एनग्रेव मतलब कर सकते हो तो वो कर लो, और अदरवाइज ट्रेसिंग टाइप करना है तो आप वो ग्राउंड की मदद से कर लो। फिर स्टेप आउट वॉर्निश लगाएंगे, है ना, स्टेप आउट वॉर्निश लगा के और फिर उसको अम्लांकन मतलब एजिंग एसिड में डाल देंगे। एसिड कौन सा, FeCl3, है ना, नाइट्रिक को भी कर सकते हैं कहीं कहीं यूज़, लेकिन उसमें बबल्स ना आए तो हिलाते रहते हैं उसको, ठीक है। मुख्यतः जो क्वेश्चन आता है तो उसमें फेरिक क्लोराइड को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें बबल्स नहीं आते इसलिए वो प्रिंटिंग में परेशानी नहीं क्रिएट करता है। इसलिए हम फिर क्या करेंगे, स्टेप आउट वॉर्निश लगाएंगे ऊपर और रेखांकन के पश्चात और एसिड में डाल देंगे। एसिड में डाल देंगे तो क्या होता है भाई, जो स्टेप आउट वॉर्निश लगा रहेगा उस कारण मींस बाकी अन्य सतह पर एसिड रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जहाँ ड्रॉइंग रहेगा वहाँ पर वो आपकी जो सतह है उसको गहरा कर देगा, उसको गहरा कर देगा, फिर एसिड से बाहर निकाल लेंगे, है ना, फिर तारपीन के तेल से ऊपर वाली चीज़ को अच्छे से पोच देंगे, पोच के अपन इंक लगा दो, इंक लगा के पहले पूरा में लगा दो, फिर ऊपर की सतह को जैसे उसमें बोला पोछो, है ना, पोच के और फिर हम ऊपर वही अपने पेपर्स रखेंगे। और हाँ याद रखे, जो पहले भी बोला था मैंने, ब्लैंकेट्स में रखेंगे दो तीन पेपर के ऊपर। क्यों ब्लैंकेट्स में रखेंगे, बिकॉज
आपका जो है इंटेग्लियो में आप अपना पेपर को हल्का सा वेट करेंगे, इतना भी नहीं लेकिन हल्का सा, ताकि वो अंदर की सतह पे चले जाए जहाँ की प्रिंटिंग हमको चाहिए। तो ये चीज़ हमको ऐसे एचिंग में भी करना है, और मोस्टली चीज़ें रिपीट ही है, कोई टेंशन की चीज़ ही नहीं है, बस किसी में क्या है किसी में क्या है, अंतर आपके मटेरियल्स का है। ठीक है, तो इसमें सिंपल एचिंग अमलांकन ये होता है। समझ नहीं आए तो वो वीडियोस देखना, अब और इससे ज़्यादा मैं नहीं इसको खींचूंगी। माना जाता है कि प्रिंट मेकिंग के लिए लागू की गई प्रक्रिया का आविष्कार जर्मनी के ऑक्सबर्ग डैनियल होफर ने लगभग 1536 द्वारा किया था। डैनियल होफर ने किया था, जर्मनी के, है ना। होफर ने एचिंग्स को और रूपांकनों के साथ सजाया गया है वुडकट्स, ठीक है। होफर ने जो है मोटिव्स को, जो अलग अलग मोटिव्स हैं उनको एचिंग और वुडकट्स के द्वारा सजाया था। ड्यूरर ने 1515 में द्वारा, अब सबसे पुराना डिटिंग है, हालांकि वे शिल्प को विकसित करने के बजाय एचिंग के साथ उत्कीर्ण 6 एचिंग्स की थी ड्यूरर ने, ठीक है। एल्बर्ट ड्यूरर ने भी एचिंग्स 1513 में ये की थी। रैम्ब्रांड, जियोविना, बेंडेटो, कैंस्टेनियो, इसको भी मैं बता चुकी हूँ वैसे ये पहले, और अन्य मास्टर के साथ 17वीं शताब्दी में एचिंग का युग था, एचिंग का टाइम था 17th सेंचुरी में, है ना, पहले भी बताएं इसमें। 18th सेंचुरी में पेनिसी, टाइपोलो और डैनियल चोवेस्के ने कम संख्या में बेहतरीन कलाकार ये थे एचिंग के। चित्रा क्लब का जो हम बताए थे, चित्रा क्लब जो स्टार्ट हुआ था, है ना, बताया था, उनका एक मुख्य कलाकार बुकुल चंद्र डे, ये इनका कोई काम, मतलब काम तो कोई नहीं था, बहुत मुकुल चंद डे आर्टिस्टिक फैमिली, मनीषी डे भाई इनके, इनके इनकी बेटियां भी कलाकार थी, है ना, बढ़िया कलाकार, और सबके सानिध्य में रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस के, ठीक है। तो ये भी गए थे साहब, है ना, अमेरिका गए थे, तो जेम्स ब्लिंडिंग स्लोन, इनसे इनने एचिंग की तकनीक सीखी थी, चले गए थे 1916 में, गए थे मुकुल चंडे, अपने आर्टिस्ट पढ़े होंगे तो गए थे, तो इनने जो है एचिंग की टेक्निक इनसे सीखी थी, और ग्राफिक सीखने के पहले, मतलब विदेश से लौट के फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट थे जिनने ग्राफिक आर्ट्स को, स्पेशली एचिंग्स और ड्राई पॉइंट्स को, मतलब उसमें इंट्रोडक्शंस में लाए थे, ठीक है। तो ये हमारे मुकुल चंडे थे। अब आ गए एक्वाटिंट। एक्वाटिंट से याद रखो, दो तीन चीज़ें याद रखती हूँ मैं, फ्रांसिस्को गोया याद रखो एक्वाटिंट से, रेसिन याद रखो एक्वाटिंट से, ठीक है, लेक और अमलांकन भी याद रखो एक्वाटिंट से, क्योंकि मीजोटिंट और एक्वाटिंट कंफ्यूज करता है बहुत, तो एक्वाटिंट में अमलांकन होगा, एचिंग होगा, जबकि मीजोटिंट में एचिंग नहीं होता है, ये याद रखना। दूसरी चीज़, अब इसमें भी क्या किया हमने, रेसिन प्लेट सबसे ऊपर क्यों लिखा, बिकॉज इन दिस वी विल यूज़ रेसिन फॉर ट्रेसिंग, मतलब कि क्या बोल रही हूँ मैं, कि पहले हमने वो सब ग्राउंड वगैरह के हेल्प से, पेस्ट की हेल्प से या डायरेक्ट स्केचिंग करी थी। एक्वाटिंग और एचिंग में मेरे अनुसार कोई ज़्यादा अंतर ही नहीं है, वो क्यों अंतर है, उसमें आपको अमलांकन प्रक्रिया बताई, इसमें भी अमलांकन प्रक्रिया ही करनी है, लेकिन क्योंकि इसमें पहले स्केचिंग के समय रेजिन प्लेट और जो पूरा आपका बॉक्स होता है उसका यूज़ करते हैं, इसलिए इसको एक्वाटिंट नाम दे दिया गया, ठीक है। तो रेजिन की मदद से रेजिन डालते हैं प्लेट पे, है ना, प्लेट पे डाल के फिर उसको गर्म करेंगे, फिर उसको स्केच रेखांकन करेंगे, वही वाली चीज़, फिर उसको एचिंग अमलांकन में डालेंगे, उसकी लाइनें गहरी हो जाएगी, फिर उसमें इंकिंग करेंगे, ऊपर वाला सरफेस को पोच देंगे, फिर हम उसको ब्लैंकेट्स, रोलर्स और ब्लैंकेट्स की मदद से, मतलब ब्लैंकेट्स आप समझ रहे हैं ना, ऊपर के जो दो चार पेपर लगते हैं उसको, है ना, उसकी मदद से उस वेट पेपर को नीचे रखेंगे और रोल दे देंगे, तो आपकी प्रिंटियां आ जाएगी। ये होता है एक्वाटिंट। चलिए, अरे यार रुक जाओ भाई। नक्काशी के लिए, मींस वही एक्वाटिंट के लिए, तान वाला प्रभाव छोड़ने के उद्देश्य से कई शुरुआती प्रयोग 1650 के आसपास एम्स्टर्डम में चित्रकार और प्रिंट मेकर जॉन वैन वेल्ड द्वारा एक राल का पहला, मतलब राल जो राल और ये रेसिन, इसका पहला उपयोग शामिल था। गोया, फ्रांसिस्को गोया का मैंने बोला आपको, उनको भूलो ही मत, है ना। फ्रांसिस्को गोया एक्वाटिंट का उपयोग करने वाले सबसे महान प्रिंट के निर्माता, संभवतः तकनीक के बारे में जानते हैं। हालांकि जनुआ, जियोवानी, डेविड इसका इस्तेमाल करने वाले महत्वपूर्ण इटैलवी थे, इटैलियन थे, ठीक है। आगे देखिए, 1960 के दशक में लॉस एंजिल्स की जीवन शैली में कई चित्र के लिए जाने जाते हैं डेविड हॉकन ने अपने द ब्लू गिटार सीरीज में मींस एक्वाटिंट का यूज़ किया था। चलिए, अब मीजोटिंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सब इंस्ट्रूमेंट्स का खेल है और कुछ नहीं। रेखांकन करना है आपके अनुसार, जैसे रेखांकन करना है कर लो, है ना, जैसे मतलब जो चीज़ अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं, यहाँ पे बस कुछ नहीं, रॉकर और रोलेट का यूज़ होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे चौड़े हैं, एक
ये रॉकर और रोलेट, एक ऐसा चौड़ा करके था और एक ऐसा गोल उसमें था, उसके अनुसार छेद कर करके हम उसको मीन्स एनग्रेव करेंगे, फिर उसमें इंक करेंगे, फिर ऊपर वाली सरफेस को पोच देंगे, फिर वही प्लास्टर रख के वो प्रिंट ले लेंगे। मेजर टिंट और कुछ नहीं है, यही है बस रॉकर और रोलेट का अंतर है, ठीक है, इसको ज़्यादा खींचेंगे ही नहीं। मेजर टिंट प्रिंट मेकिंग विधि का आविष्कार जर्मन शौकिया कलाकार लूडविंग वॉन सीगेन ने 1609-1680 में किया था। थोड़ा टाइम भी याद रखो, कौन सा पहले कौन सा बाद में। एब्राहम बास्टल उनने पहली बार रोलेट का यूज़ किया था। रोलेट वही इंस्ट्रूमेंट है, किसने, एब्राहम बास्टल ने। मेजोटिन का अक्सर अनइंटेग्लियो टेक्निक के साथ जोड़ा जाता है, आमतौर पर नकाशी और उत्कीर्णन। बिल्कुल, देखिए मेजो विद द हेल्प ऑफ मेजोटिन कोई मतलब नहीं है। मेजोटिन मतलब क्या कि बस वो आपको इनके मदद से इंग्रेव करना है। अब आप उसकी टेक्निक चाहे लाइन एनग्रेविंग से करो प्रिंट लो, या चाहे एचिंग करके अमलांकन से करो, ठीक है, तो इनके साथ अक्सर लोग जोड़ के एज अ मिक्स मीडिया वर्क करते हैं। रॉबर्ट कैपनीस और पीटर इल्स्टेंडेस जो उल्लेखनीय 20वीं सदी के तकनीक एमएस एस्चर ने 8 मेजोटिन किए, ठीक है। चलिए ड्रैप पॉइंट इंटेग्लियो की बढ़िया एक और टेक्निक, कुछ नहीं इसमें भी, सिर्फ उसका खेल है आपके इंस्ट्रूमेंट का। स्क्रिपर यूज़ होता है इसमें, नीडल जैसी होती है, ड्राइंग सेम वैसे ही करनी है, स्क्रिपर उसको उससे नीडल से उससे उकेरना है, इंकिंग करनी है और प्रिंट लेनी है, ठीक है, मैं इसको आगे डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगी। ड्राई पॉइंट भी एक टेक्निक था जो मुकुलचंद डे हमारे इंडिया में लेके आए थे। सिद्धांत रूप से विधि व्यवहारिक रूप से उत्कीर्ण के समान है, अंतर उपकरण के उपयोग में है। नकाशी की तरह ड्रॉ पॉइंट उत्कीर्ण की तुलना में मास्टर करना आसान हैंड ड्राइंग से प्रशिक्षित एक कलाकार के लिए, क्योंकि सुई का प्रयोग करने की तकनीक, मतलब बहुत चीज़ें सब चीज़ के कंपैरिजन ड्रॉ पॉइंट बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सुई जो है आप उसको बहुत इजीली ब्यूरिन की मतलब ब्यूरिन के कंपैरिजन आप उससे बहुत इजीली कार्य कर सकते हैं। इस टेक्निक का आविष्कार 15वीं शताब्दी मीन्स 15 सेंचुरी में जर्मन कलाकार हाउसबुक मास्टर द्वारा किया गया था। हाउसबुक मास्टर द्वारा 15 सेंचुरी में ड्राई पॉइंट टेक्निक का आविष्कार दोस्तों किया गया था। पुराने मास्टर प्रिंटर एल्बर्ट ड्यूरर के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से तकनीक के छोड़ने से पहले तीन, जो मतलब हम एल्बर्ट ड्यूरर की बात कर रहे थे, वुडकट एचिंग कार्य किया इनने, तो इन्हें जब अपना कार्य शुरू था, इन्हें तीन ड्राई पॉइंट्स का, मतलब देखिए आर्टिस्ट या एक्सपेरिमेंट्स हर चीज़ का करते हैं, तो ड्राई पॉइंट्स में भी कार्य एल्बर्ट ड्यूरर ने किया था। रेम्ब्रांड ने उसका अक्सर उपयोग किया, बहुत काम रेम्ब्रांड ने भी किया था, लेकिन आमतौर पर उन्हें क्या आपको पता ही है, एचिंग और एनग्रेविंग में कार्य किया है, ठीक है। तो ये आपके रिलीफ प्रोसेस याद करो, ड्राइंग करना है, एनग्रेव करना है या कटिंग इंकिंग करना है और प्रिंट करना है। अंतःस्थता क्या है, तो ड्राइंग करना है ना, इसमें भी आपको ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ वो ग्राउंड बना के करना है, जैसे करना है प्लेट पे करना है लेकिन, है ना। और अंतर अंतर बता रही हूँ बस, अब उत्कीर्ण करोगे फिर या अमलांकन करोगे, एचिंग करोगे, उसके बाद इंक लगाओगे, ऊपर सतह से इंक पोंछना है, है ना। इससे पहले इधर कहीं स्टेप आउट वॉर्निश वगैरह भी याद रखना, भूलना मत, वो किस काम के आती है वो भी याद रखना, और फिर एट द लास्ट हम उसको प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो आपकी अंतिम है, समतल सतह, सतह प्लेन होगा तब प्रिंट कैसे लोगे, ये चीज़ है ना, तीन चीज़ होती है। और इंटेग्लियो का दोस्तों दो तीन टेक्निक्स और होती हैं, जो विस्कोसिटी है, ग्रेवी और प्रिंटिंग है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा टारगेट है कि इस वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मेन चीज़ बता रही हूँ, इसलिए आप उसको देख लेना। अब अपन आते हैं प्लेन सतह है, प्लेन सतह में लिथोग्राफी जो भी है, प्लेनोग्राफी भी कहते हैं, लिथोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। लिथोग्राफी, लिथो फॉर, लिथो मीन्स स्टोन, ठीक है। अब आप याद रखो इसको भी क्या करना है भैया, तो देखिए ये मेन एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड करती है, एसिड और वाटर के फॉर्मूले को, कि उन दोनों का जो है एक दूसरे में कभी मेल नहीं खाते, उस फॉर्मूले पे आपका लिथोग्राफिक प्रिंट डिपेंड करती है, ठीक है। क्या करना है, सर्वप्रथम लिथोग्राफी में भी चित्रांकन करना है, चित्रांकन करना है, ड्रॉइंग करके फिर सोल्यूशन लगाना है, सोल्यूशन लगाना है मतलब, तो सोल्यूशन काय का होगा, एरबिक एसिड वाटर और नाइट्रिक एसिड का जो सोल्यूशन लगाएंगे हम मुद्रणीय क्षेत्र पे, जहाँ पे हमको प्रिंट लेना है, जहाँ पे हमने ड्राइंग किया है, ठीक है। फिर हम उसको पानी से धो देंगे, पानी से धोएंगे तो जहाँ पे अमुद्रणीय क्षेत्र है वहाँ पर तो पानी लग जाएगा, और जहाँ सोल्यूशन है वहाँ पर पानी नहीं लगेगा,
देन उसके बाद इंकिंग करेंगे तो इंकिंग का उल्टी चीज़ होगी, जहाँ पे पानी है वहाँ इंक नहीं जाएगी और इंक कहाँ चली जाएगी, मुद्रणीय क्षेत्र पे इंक चली जाएगी। फिर वही करोगे, पेपर रखोगे, ब्लैंकेट्स रखोगे और प्रिंट ले लोगे। ये है समतल सतह में, मतलब कैसे एक सतह पे रह के आपने प्रिंट ले ली, ये लिथोग्राफी में है। ठीक है, इसको आप देख लेना इसका डिटेल। अब देखो 1796 में एलोसियन सेनीफिल्टर द्वारा इस पद्धति का स्टार्ट किया गया था। सेनीफिल्टर लिथोग्राफी का नामकरण 1813 में एच बेक्स ने किया था। उन्होंने पहले लाइमस्टोन को पहले लाइमस्टोन पर डिजाइनिंग शुरू करी थी और एच बेक्स ने इसका नाम लिथोग्राफी रख दिया था। बवेलनोस और एमडी सिवगिनेस, ये दो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, याद रखो, बहुत बढ़िया है नाम। क्या है एम वेलनोस, क्वेश्चन भी आएगी, एम वेलनोस और एमडी सेविग्नेक, ये दो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, कोलकाता से आए थे। इनने प्लेनोग्राफी भारत में पहली बार स्टार्ट की थी, है ना। प्लेनोग्राफी जो लिथोग्राफी प्रोसेस है वो बता रही हूँ। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस 1894 में मुंबई में लाए थे, ये भी आपको पता ही है ना, लेकिन याद रखना बस 1894 मुंबई और ये दोनों भी कोलकाता में पहली बार। ठीक है, तो ये आपकी हो गई लिथोग्राफी जो कि प्लेनो उस पर आ गया। प्लेनो का ही जो एक ऑफसेट बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे नहीं लेने वाली थी पर ले लिया इसको भी। ऑफसेट क्या करेंगे, ऑफसेट बहुत बढ़िया सी, मतलब उनको आपको क्या याद रखना है, रोप सिलेंडर्स याद रखना। तीन सिलेंडर होते हैं सर्वप्रथम, प्लेट सिलेंडर जिसमें प्लेट लगा रहता है, ऑफसेट सिलेंडर जिसमें कि रबड़ का ब्लैंकेट लगा रहता है, और इंप्रेशन सिलेंडर जिसमें कि जो पेपर हमको प्रिंट लेना है वो लगा रहता है। बाकी दो छोटे मोटे क्या होते हैं, एक आपके इंक रोलर्स वाला रहता है, इंक के रोलर्स लगे रहते हैं, और ये वाटर के रोलर, ये मटेरियल लिखा ही हुआ है देखो इसमें। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोजिंग मशीन की मदद से प्लेट पे एक्सपोज कर लेंगे जो भी आपको बनाना है उसको। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पे प्लेट सिलेंडर पे उसको, उस प्लेट को लगा देंगे, उस प्लेट को लगा देंगे। फिर जब हमारा रोलर चालू करेंगे तो फिर हमारी इंक रोलर से इंक आएगी। इंक रोलर्स भी ध्यान रखो कौन से, चार मेन होते हैं कलर, सियान, ब्लू, येलो, रेड और ब्लैक, ये चार कलर्स रहते हैं, है ना, उससे आपकी इंकिंग आएगी। उसमें आपको जो डाई टोन बनता है ना, ड्यू टोन बनता है, जिस तरह से कलर बन के आता है वो भी बता चुकी हूँ, वो भी ध्यान रखना कैसे इसमें हाफ टोन्स और ड्यू टोन से कलर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये कलर्स, सॉरी, फिर इंक आएगी आपकी कलर्स से और वाटर रोलर लगे रहते हैं। ये प्रोसेस एक तरह से क्या है, मैं आपको सीधी बता दूँ कि सीधे का उल्टा होएगा और उल्टे का सीधा होएगा। प्लेट सिलेंडर पे सीधी जो डिज़ाइन है, देखिए फिर भूल गई मैं, देखो जब हम लोग वुड कट और ये कर रहे थे ना, उसमें जब हम ड्राइंग करते हैं, मैंने आपको ये फटाफट बताया, इसलिए ड्राइंग करते हैं तो उल्टा ड्राइंग करते हैं, उल्टा ड्राइंग करते हैं क्यों, ताकि वो जब छपे तो सीधा छपे, है ना, क्योंकि सीधा छप रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम ड्राइंग को सीधा करेंगे। क्यों सीधा करेंगे, क्योंकि बीच में एक नेगेटिव बनेगा, ऑफसेट सिलेंडर में नेगेटिव जो ब्लैंकेट लगा है उसमें नेगेटिव प्रिंट आएगा, उल्टा प्रिंट आएगा, और फिर उल्टे को वो फिर से सीधा होएगा जो कि इंप्रेशन सिलेंडर पे जाएगा। ठीक है, तो ये बस ये प्रोसेस पे काम चलेगा, इंक आएगी ऐसा, है ना, वो पूरी मशीन देख रखी होगी आपने। प्लेट सिलेंडर है आपका, प्लेट सिलेंडर पे आपकी प्लेट लगी हुई है जिससे आपको ड्राइंग लेना है, प्रिंट लेना है। लेकिन इंक रोलर से जब उसमें इंक आएगी, जब उसमें इंक आएगी और वाटर रोलर, है ना, इंक उस जगह पे लगेगी जो आपको मुद्रणीय क्षेत्र है, जिसमें आपका प्रिंट लेना है, जिस जो आपका ड्राइंग एरिया है। और वाटर रोलर्स कहाँ पे, वाटर रोलर्स क्या काम करेगा, वाटर रोलर इंक को उस क्षेत्र में नहीं लगने देगा जहाँ पे आपको प्रिंट नहीं लेना है, बस वो उसको अवॉइड करेगा। उसका काम ये, इसका काम ये, फिर जो है प्रिंट आपकी उल्टी, मतलब जो आपका सीधा ड्राइंग है उसका उल्टी ड्राइंग काय पे जाएगी, ऑफसेट सिलेंडर पे जहाँ पे कि रबर ब्लैंकेट लगा हुआ है, और फिर उसके बाद वो अगेन उल्टा बने, अगेन सीधा, मतलब उसका उल्टा होएगा तो वो सीधा इंप्रेशन सिलेंडर पे आपका जो प्रिंट आएगा वो आपका सीधा आएगा। ठीक है, इसमें कलर प्रिंटिंग होती है और हाफ टोन डाई टोन्स की मदद से होती है। इसमें कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल वो वीडियो देखो, है ना, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। इस पद्धति का आविष्कार रॉबर्ट बर्कले ने किया था 1875 में, किसका, ऑफसेट का, 1875 में बर्कले ने। आप ईयर याद रखो,
ईयर बिल्कुल याद रखो, ताकि हम जब हमको सीक्वेंस जमाना हो तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको जमा सकें। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ लिथोग्राफ इज ऑफसेट, है ना, कोई भी उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है उसका, वो जैसे कि ग्रेवियो प्रिंटिंग हमने इंटेग्लियो का देखते हैं, वैसे ही ये भी है ना, जिसको हम ऑफसेट कहते हैं कॉमनली, ऑफसेट लिथोग्राफी भी कहा जाता है ये। इसके द्वारा फोटोग्राफिक इमेज की छपाई भी हम करते हैं, ठीक है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि पानी और तेल आपस में नहीं मिलते, परस्पर विकर, ये आपस में मिलते नहीं हैं, इसी कारण इसकी विद द हेल्प ऑफ दीज ओनली वी कैन टेक द प्रिंट, है ना, अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया था भैया, ऑफसेट हो गया था। अब स्क्रीन प्रिंटिंग, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, स्क्रीन की मदद से फ्रेम बनाते हैं और फिर उसको एक्सपोज करते हैं, है ना, देखते हैं इसमें, है ना, फिर क्या करते हैं हम लोग, देखिए, तो सबसे पहले उसका फ्रेम बना लेंगे, अच्छी खासी स्क्रीन, है ना, मोटा गेज का होगा अगर वो, तो आपकी प्रिंटिंग क्लियर होगी, अच्छी बनेगी, है ना, ज़्यादा गेज का होगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपकी, आपने पहले फ्रेम बना ली, उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने उसको कोटिंग कर ली, है ना। कोटिंग क्या है उसमें, कोटिंग किसकी होती है, वाटर, जिलेटिन, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइक्रोकार्बोनेट और ग्लिसरीन, इससे बना हुआ जो आपका मटेरियल होता है उससे आप उसको कोट कर लोगे, कोट कर लोगे तो वो स्क्रीन आपकी फोटो सेंसिटिव बन जाएगी। फिर आप उसको एक्सपोज करोगे, मीन्स लाइट पे एक्सपोज करोगे, दैट मीन्स डिज़ाइन करोगे, है ना। तो एक्सपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस स्क्रीन के ऊपर एक पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव मतलब कि जो उसका आपको प्रिंट लेना है आप रखोगे उसके ऊपर और फिर आप उसको एक्सपोज करोगे, मतलब लाइट से एक्सपोज करोगे। फिर क्या होगा, जो आपका मींस बोलूंगी नॉन मुद्रणीय क्षेत्र है, नॉन मुद्रणीय क्षेत्र पे आपकी लाइट पास हो जाएगी, है ना, लाइट पास हो जाएगी, तो नॉन मुद्रणीय क्षेत्र मतलब जो है उस पर आपकी लाइट पास हो जाएगी, और क्योंकि ऊपर आपका पॉजिटिव रखा रहेगा, पॉजिटिव पे क्या रहेगा कि आपको जो प्रिंट लेना है वो वाली चीज़ रहेगी, तो लाइट उससे पास नहीं हो पाएगी, है ना। तो लाइट दूसरी जगह से तो पास हो गई, है ना, फोटो सेंसिटिव में भी, और उस जगह से नहीं हो पाई, फिर हम उसको हटा लेंगे, फिर हटा के हम उसको पानी में दे देंगे। तो पानी में देने से क्या होगा दोस्तों, कि जब हमने मतलब जैसे जो मुद्रणीय पात्र है उसमें लाइट नहीं गई जहाँ पे, वहाँ पे तो क्या है कि आपका ये जो कोटिंग करी थी आपने वो कढ़ा नहीं हो पाया, है ना, मतलब एक बोलेंगे ना स्ट्रांग नहीं हो पाया। लेकिन जो अमुद्रणीय पात थी जहाँ से लाइट चली गई, वहाँ पे क्या हुआ, ये वाली कोटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, वो स्ट्रांग हो गई, तो जब अपन ने एक्सपोजिंग के बाद पानी में उसको डाला तो वो स्ट्रांग वाली चीज़ तो वैसी की वैसी रह गई, है ना, वो मतलब कड़ी रह गई, लेकिन जो हमारे जिसमें हमको मुद्रण लेना था उसमें पानी से ये कोटिंग चली गई एक प्रकार से, है ना, क्योंकि वो कड़ा हो ही नहीं पाया था। फिर हम उसको टेप करेंगे, मीन्स टेपिंग पेस्टिंग करेंगे उसी स्क्रीन को, और फिर हम नीचे उसकी जो है जिसमें हमको प्रिंट लेना है वो पेपर रखेंगे, और ऊपर स्क्रैपर की मदद से, मतलब ऊपर इंक लगा के स्क्रैपर की मदद से इस इंक को फैलाएंगे पूरी स्क्रीन पे, फैला देंगे ना, तो क्या होगा कि देखिए बाकी सब एरिया तो पूरा कड़ा था, क्यों कड़ा था, क्योंकि वहाँ पे हमारी लाइट पास हो चुकी है और फिर दोनों पे भी वो चीज़ नहीं गई, लेकिन जहाँ जो हमको मान लीजिए इस पार्ट को हमको ये प्रिंट लेना है तो इस पार्ट में वो धुल ही नहीं पाया था, वो धुल गया था पूरा उसका कोटिंग, है ना, कड़ा हो ही नहीं पाया था, तो ये वाले उसमें इंक पास हो जाएगी और आपका नीचे पेपर पे जो भी वॉट एवर चीज़ है उस पे आपकी प्रिंट आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं इसको बिना पिक्चर्स वगैरह की मदद से बता पाऊँ, है ना, अगर आप लोग को बोरिंग लगा ये तो आप वो वीडियो देखो, आपकी मदद ज़्यादा होएगी, लेकिन बस जो दोस्त मेरे साथ पहले जुड़े हुए जिनने बाकी वीडियोज़ देख रही थी उनको एक रिविज़न करवाना चाह रही थी, इसलिए ये वाला वीडियो लेके आई थी, ठीक है। चलिए, सिल्क प्रिंटिंग क्या है, प्रोसेस का विकास स्टेंसिल के आधार पर हुआ है, बिल्कुल याद रखो, मैं जो कॉलम में भी आता है सिल्क प्रिंटिंग और स्टेंसिल, स्टेंसिल के ही जिस तरह से स्टेंसिल रख के पेंटिंग लेते थे पहले, उसी के ही आधार पे सिल्क प्रिंटिंग का काम हुआ है। 1914 में पिल्सबर्थ ने मल्टी कलर प्रिंटिंग का यूज़ किया था, 1914 में। द सिल्क स्क्रीन प्रोसेस, ये तो इस विधि का सपाट फलकों के अलावा बेलनकार और विशेष फलकों पर भी छपाई की जाती है, पेपर, ग्लास, धातु, कपड़ा, ठीक है, सिर्फ पेपर पे नहीं। देखिए, सेरोग्राफी जो है अमेरिका में, मैंने बताया था आपको 1930 से 40 के बीच में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। भारत में सर्वप्रथम KG सुब्रमण्यम सेरोग्राफी प्रक्रिया को लेके आए थे, ठीक है। ग्रुप आर्टिस्ट 8 क्या है, विचित्रा क्लब के बारे में बात हो गई थी, ग्रुप आर्टिस्ट जो 8 है वो भी ग्राफिक आर्टिस्ट का ग्रुप है,
1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। किसने किया था? जगमोहन चोपड़ा जी ने किया था, बहुत महान ग्राफिक आर्टिस्ट। इनने किया था 1967 में किया था। ग्रुप एट आर्टिस्ट जो का ग्रुप है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किन मीडिया में काम करने वाले हैं, तो ये ग्राफिक आर्टिस्ट का ग्रुप है, ठीक है। और इनके मेंबर्स कौन कौन, तो देखिए अनुपम सूद, लक्ष्मी दत्ता, उमेश वर्मा जी, विजय वर्मा जी और जगदीश डे, ये जो है इनके ग्रुप मेंबर्स थे। जगमोहन चोपड़ा ने इन्हें स्टार्ट किया था 1967 में किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्रुप एट का आर्टिस्ट ये भी रह गया था, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो एटलीस्ट, क्योंकि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल बता सकें वो, है ना। और आपको भी इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताना। अब जो है ग्राफिक्स मेरे तरफ से क्लियर है, अब मुझे इसका सिर्फ ग्राफिक्स के जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में वीडियोज़ देना है, तो वो अपन ज़रूर फटाफट डिस्कस करेंगे। इसको आप मेरे हिसाब से अब आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आपका अगला वीडियो वेस्टर्न आर्ट को लेके जल्दी आएगा। सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।